दोस्तों आईपीएल 2023 में केकेआर की टीम अपना फर्स्ट मैच पंजाब टीम के खिलाफ 7 रनों से हार चुकी है। बारिश के कारण मैच डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार 7 रनों से जीत चुकी है पंजाब की टीम। तो टॉस जीतने के बाद कप्तान नीतीश राणा पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन लिए थे, फिर भी मैच हारना पड़ा। तो फर्स्ट मैच में कई सारे गलत डिसीजन केकेआर टीम द्वारा देखने को मिला है, जिसके चलते केकेआर ये मैच हार चुके हैं। तो क्या है वो कारण, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखें। केकेआर टीम का डाई हार्ड फैन है तो वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों जैसा कि अब टीमें टॉस के बाद अपना प्लेइंग 11 घोषित कर रही है, तो नीतीश राणा शुरू से वेंकटेश अय्यर को प्लेइंग 11 में नहीं रखे थे, बल्कि वरुण चक्रवर्ती को शुरू से देखने को मिला है। तो सेकेंड इनिंग में वरुण चक्रवर्ती को बिठाकर वेंकटेश अय्यर को लाया गया था, और हर साल की तरह इस साल भी फर्स्ट मैच से ही केकेआर टीम की कई सारे डिसीजन किसी को समझ नहीं आई है, और मैच हारने के पीछे यही सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। तो पहला जो कारण है वो है आंद्रसेल को क्यों गेंदबाजी करने नहीं भेजा गया। जी हाँ दोस्तों, सभी को पता है मिडिल ओवर्स में आंद्रसेल काफी बढ़िया गेंदबाजी कर लेते हैं। जहाँ टीम साउथ शार्दुल ठाकुर सुनील नारायण काफी महंगा जा रहे थे, तब नसेल को कम से कम 2 ओवर गेंदबाजी करने भेजना चाहिए था। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है दोस्तों गलत बैटिंग ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, अगर वेंकटेश को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खिलाया गया था तो क्यों ओपनिंग में नहीं भेजा गया। मनदीप सिंह को फिर मिडिल ऑर्डर्स में खिलाया जा सकता था। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आंद्रसेल को इतना लेट क्यों भेजा गया। जब आंद्रसेल बैटिंग करने आया था तब केकेआर टीम का 80 रनों में 5 विकेट गिर चुका था। नेक्स्ट जो कारण है वो है दोस्तों अनुकूल रॉय का सिलेक्शन। दोस्तों अनुकूल रॉय एक ऑलराउंडर है, उनसे एक भी ओवर देखने को नहीं मिला है, और अचानक उनको नंबर 3 में बैटिंग करने भेजा गया। जी हाँ दोस्तों, अनुकूल रॉय उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि पावर प्ले में अटैकिंग खेल लेंगे, और उसका नतीजा हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आंद्रसेल को छोड़कर केकेआर टीम की विदेशी प्लेयर फर्स्ट मैच में फ्लॉप जा चुके हैं, जहां पंजाब टीम के भानुका राजापक्सा, सिकंदर राजा, सैम कुरान और नेथन एलिस चारों ने अपना बेस्ट परफॉर्म दिया है। वहीं सुनील नारायण और टीम साउथी काफी महंगा जा चुके हैं। सुनील नारायण 10 के इकोनॉमी से और टीम साउथी 13 के करीब इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। बात करें गुरबाज के बारे में तो 16 गेंदों में 22 रन बनाए हैं। और दोस्तों आखिरी जो कारण है वो है काफी खराब गेंदबाजी देखने को मिला है केकेआर गेंदबाजों से। उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती को छोड़कर सुनील नारायण और शार्दुल ठाकुर काफी महंगा जा चुके हैं। पहले प्रॉप सिमरन और उसके बाद भानुका राजापक्सा और शिखर धवन ने जम के पिटाई की है। तो दोस्तों ये थे मेन कारण जिसके चलते केकेआर को फर्स्ट मैच हारना पड़ा। इसके बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।